मोदी कैबिनेट में गुरुवार को एक बड़े फेरबदल का ऐलान किया गया है। अब तक कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है। उनकी जगह पर बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह फैसला किया है। राजस्थान में काफी लंबे समय से तबादलों की मांग कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। तबादले खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थर्ड ग्रेड शिक्षकों को बुधवार को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान नीति बनाने के बाद ही तबादले खोलने का संकेत दिया। मुस्लिम हॉस्टल को जमीन आवंटन के मामले ने राजस्थान में तूल पकड़ लिया है। जयपुर में इस जमीन आवंटन के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने राजस्थान आवासन मंडल की ओर कूच शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय व्यापारी संगठन इस आवंटन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि 99% हिंदू आबादी के बीच मुस्लिम छात्रावास के लिए जमीन आवंटन गलत है, इसे निरस्त किया जाए। जैसलमेर में मंगलवार सुबह UIT ने पाक विस्थापितों के आशियाने उजाड़ दिए थे, जिसके बाद हुए हाई वोल्टेज ड्रामे में बुधवार को DM टीना डाबी और पाक विस्थापित हिंदुओं के बीच बातचीत हुई। बता दें कि घर तोड़े जाने के बाद पाकिस्तान के विस्थापित लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान इस बात पर सहमति बनी कि उन्हें दूसरी जगह रहने को दी जाएगी। सहमति बनने के बाद पाक विस्थापितों ने धरना खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच गुटबाजी हर दिन बढ़ती जा रही है। अब दोनों गुटों के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि हाथापाई उस वक्त हुई जब सह प्रभारी फीडबैक को लेकर बैठक लेने वाली थी, लेकिन सह प्रभारी अमृता धवन के पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान गहलोत के खास माने जाने वाले RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ मौके पर ही मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान पायलट समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। राजस्थान में इस बार नौतपा की शुरुआत आंधी बारिश के साथ होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 22 मई को मॉनसून का नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। इसके कारण राजस्थान में आंधी बारिश का एक नया दौर शुरू होगा। इस सिस्टम का असर 2-3 दिन तक रह सकता है और तापमान में भी गिरावट आएगी। राज्य में मौजूदा मौसम की स्थिति देखें तो बीती रात गंगानगर हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में तूफानी बारिश के साथ ओले भी गिरे। राज्य में आजकल एक पुलिसकर्मी खासा चर्चा में है। इसकी वजह उनकी कार्यशैली और लोगों से उनके मेलजोल। अपने वीडियो और मस्त अंदाज के चलते वे अच्छे पॉपुलर हो चुके हैं। लोगों में अक्सर खाकी का खौफ रहता है, लेकिन पी के मस्त से मिलकर हर कोई सहज हो जाता है। जयपुर में पुलिसकर्मी है जिसे मिलने के लिए लोग आतुर रहते हैं। ये बाकी पुलिसकर्मियों की तरह वर्दी का रौब नहीं छाड़ते, बल्कि अपने मस्त अंदाज में बहुत कुछ संदेश दे जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट के लोग इतने दीवाने हैं कि आज ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। टोंक जिले में दो लड़कियों का एक ही लड़के से मैरिज का एक अनोखा मामला चर्चाओं में है। दरअसल जिले में हरिओम लड़के का विवाह दो लड़कियों से हुआ। शादी से पहले लड़के के विवाह निमंत्रण छापे गए और बांटे गए। इस अनोखी शादी में दोनों पक्षों के सभी रिश्तेदार शामिल हुए। हरिओम ने बताया कि उनके इस फैसले का उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने पहले खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जब हरिओम के परिवार वालों के कदम की उसके दोस्त और रिश्तेदारों और आसपास के पड़ोस वाले खूब तारीफ कर रहे हैं। जयपुर में दो प्रॉपर्टी कारोबारियों का अपने ही एक साथी के घर में लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। दोनों आरोपियों ने इस घटना को एक महिला तांत्रिक के झांसे में आकर अंजाम दिया। तांत्रिक महिला के कहने पर दोनों आरोपी दोस्त अपने साथी यादराम के घर पहुंचे। तांत्रिक महिला ने उन्हें जानकारी दी थी कि यादराम मौर्य के घर में 600 करोड़ रुपए छुपे हुए हैं, जिसके बाद दोनों साथी घर में डाका डालने पहुंचे और वहां घर की टाइल्स भी उखाड़ दी, लेकिन कुछ नहीं मिला, जिसके बाद वो घर में रखे आभूषणों को लेकर पार हो गए। पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए 3 दिन में सभी 15 आरोपियों को पकड़ लिया है।